₹5 में मैं कितना स्ट्रीट फूड खा सकती हूँ, लेट्स फाइंड आउट। हाय गाइस, आई एम प्रियंका और आज मैं करने वाली हूँ ₹500 स्ट्रीट फूड चैलेंज इन भुवनेश्वर। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस समय मैं आ गई हूँ अपने ₹500 लेके भुवनेश्वर की शहीद मार्केट में। यहाँ पे लगी है बहुत सारी स्ट्रीट फूड स्टॉल। देखो, सबसे पहले गाइस मेरी नजर गई है एक 3 टंगीरों के ऊपर, जिसके अंदर क्या मिल रहा है। यहाँ तो सूप मिल रहा है, तो अबे वेज सूप है, चिकन सूप है, मटन सूप है। तो वेज सूप कितने का भैया? वेज सूप ₹25 में एक कप सूप मिल जाएगा। पर सबसे पहले गाइस मैं सूप नहीं पीऊंगी। मुझे ना यहाँ पे एक दुकान में ना इतने सारे पाव लगे हुए दिख रहे, तो चलो पता कर ले कि इनके यहाँ ये पाव के साथ क्या बेच रहे हैं। आ जाओ। हेलो भैया, ये इतने सारे पाव क्यों लगा के रखे, क्या दे रहे हो? नहीं है क्या पाव भाजी? अरे गाइस, मुंबईया पाव भाजी उड़ीसा के अंदर भी मिल रही है, वो भी सिर्फ और सिर्फ ₹50 में। पर एक बात बताओ, इतने पाव तो आपने लगाए हैं और साथ में मैगी भी लिखी है, तो मैगी का तो एक भी पैकेट नहीं दिख रहा। मैगी का मैगी नहीं है। अरे ये क्या कर रहे गाइस, इतनी बड़ी बड़ी मैगी लिखी है, चीज मैगी, प्लेन मैगी, पनीर मैगी, और इनके मैगी नहीं है, तो लिखा क्यों है? अरे बताओ मैगी क्यों लिखा है, मैगी कहाँ है? बंद कर दी है, मैगी है, मिलेगा पक्की बात, हमको चाहिए, हमें चीज मैगी लगा देना। ये देखिए गाइस, यहाँ एकदम मसालेदार मैगी बनना स्टार्ट हो गया। भैया ने ना सब्जी तरकारी सब इस कढ़ैया के अंदर जो है डाल दी है। ओहो लो, सब्जियों में तो चला गया ढेर सारा पानी। और मैगी का है, मैगी इसी का तो इंतजार कर रहे हैं हम। ओहो गाइस, ये देखो अभी गई हमारी एक पैकेट मैगी, और इसमें चीज भी डालना, चीज भी डालेंगे। क्या बात है, थैंक यू भैया। ओहो ये मैगी मसाला खुलते ही भैया इतनी बढ़िया फ्रेग्रेंस आई है कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरी पूरे के पूरे ₹50 की एकदम जग मगाती सजी धजी सी मैगी। एंड देखो कितनी बढ़िया भैया ने अनियन एंड टमेटो एंड धनिया के साथ इसको सजाया है। और ये ओए होए 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 एकदम पाइपिंग हॉट मैगी, हाय 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 हाय, ये खाने में तो आने वाला है बहुत 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 मजा। मैगी तो गाइस मेरी वीकनेस है, आपको मैगी पसंद है कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओह माय गॉड, इतने प्यार से इतनी भर भर के इसके अंदर चीज डाली है ना भैया ने, कि वाकई में समझ लो मैगी का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ज्यादा एलिवेट हो गया है। तो बहुत ही अमेजिंग वेज चीज मैगी बनाई है। सो गाइस, अब मैं एक ऐसा स्ट्रीट फूड आपको दिखाने वाली हूँ जिसको खाने के लिए ना आपका दिल एकदम धक 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 करता है, जिसको खाने के लिए आप हमेशा ना KFC जाते हैं। बट आज मैं KFC नहीं जाऊंगी गाइस, आज KFC का खाना मैं यहाँ स्ट्रीट फूड मार्केट में दिखाऊंगी। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा लिखा है ₹50 के अंदर मिलेंगे आपको KFC के मोमोज। क्या बात है सच्ची भैया, हाँ KFC में तो मोमोज मिलते नहीं भैया। हेलो भैया, भैया KFC में तो वो चिकन लेग मिलता है, आपने KFC के मोमोज बना दिए, अब कैसा स्वाद आएगा? वेज मिलेगा तो हमें KFC के मोमोज लगा देना। यहाँ पे आ गए मेरे KFC वाले मोमो जो पड़े पूरे के पूरे ₹50 के। इन KFC जाना जाता है अपनी क्रिस्पी आउटर कवरिंग के लिए। सो ये देखिए यहाँ पे आ गए इतने सारे मेरे क्रिस्पी गाइस मोमो। इसके साथ इन्होंने ना 3 तरीके की चटनियाँ दी हैं, मेयोनीज दी है, मस्टर्ड सॉस दी है, शेजवान सॉस दी है, और ये जो क्रिस्पी मोमो है ना इसके ऊपर इन्होंने ना बहुत सारा मसाला वसाला भी डाला है, तो अभी पता चलेगा कि ये क्रिस्पी है या नहीं है। ओहो गाइस, तो बहुत ज्यादा क्रिस्पी हो गए। देखो मैंने ना अभी तक फ्राइड मोमोज खाए, तंदूरी मोमोज खाए, उससे ये मोमोज बहुत ज्यादा डिफरेंट, इतने ज्यादा क्रिस्पी है ना कि इनको काटने में भी ना बड़ी दिक्कत हो रही है। और अंदर मोमोज तो गाइस मोमोज ही, अंदर तो सिर्फ और सिर्फ कैबेज ही भरी है इसके अंदर, और जो कोई माल वाले ने भरा नहीं, तो मेरे हिसाब से ना ये ओके है गाइस। वो मोमोज तो कुरकुरे तो थे ही थे, पर इतने ज्यादा तीखे थे कि मैं आपको क्या बताऊं। अब तो मुझे ना मेरा पूरा मुंह जल रहा है, मैं तो कुछ मीठा खाऊंगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रही है गाइस एक दुकान, मुंह पीठा। अरे गाइस ये मुंह मीठा तो सुना था, ये मुंह पीठा क्या होता है? चलो चल के पता करते हैं कि वाकई ये पीठा इनका मीठा है या नहीं। आ जाओ, नमस्ते भैया, नमस्ते। ये अरे गाइस ये तो बड़ी अतरंगी सतरंगी सी चीजें दिख रही है, तो मैंने कभी नहीं खाई है। ये देखो ये क्या भैया, जरा बताओ क्या ये सब पीठा ही है? क्या काय का बनता है पीठा? सूजी का गाइस ये देखो एकदम, ये गाइस मुझे एकदम क्रिसमस केक की तरह दिख रहा है पीठा। और ये वाला ना व्हाइट व्हाइट है, ये एकदम मुझे मिल्क केक जैसा दिख रहा है। और ये रबड़ी है क्या? अरे दादा ये रबड़ी है क्या?
अब वो क्या ब्रेड पकौड़ा है? हाँ, फिर क्या है? चंद्रकली पीठा। अच्छा तो अब इसमें से कौन सा खाऊं? ये तो मुझे इसमें से सबसे इसमें से पीठा सबसे मीठा कौन सा है ये बताओ। खीरा, खीरा तो सैलेड होता है। खीर, 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 दूध की खीर। गाइस यहाँ पे तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो भैया मेरा कंफ्यूजन आप दूर करना, मुझे 50 रुपए का ना ये मिला जुला के ना जो सबसे मीठा मीठा आइटम हो वही डाल के दे। सो गाइस यहाँ पे मेरे पास एक नहीं दो नहीं बल्कि आ गए 3-3 तरीके के पीठा। तो ये देखिए गाइस, एक तो रबड़ी स्टाइल पीठा है, एक ये मिल्क केक स्टाइल पीठा और एक ये ब्रेड पकौड़ा स्टाइल पीठा है। तो सबसे पहले मैं खाऊंगी ये रबड़ी कम मिल्क केक वाला पीठा जो मैंने अपने नाम खुद ही इजाद करके दिया है गाइस। गाइस ये इन्होंने वो पीठा लिखा है ना, इसका नाम इन्होंने सही लिखा, क्योंकि वो मीठा नहीं है, इतना कम मीठा है यार। मतलब इनका जो व्हाइट मिल्क केक वाला पीठा ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर ना मुझे कुछ कुछ कोकोनट का फ्लेवर आ रहा है। इसके अंदर ना इन्होंने छोटे 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 काजू भी डाले हैं, है बड़ा इंटरेस्टिंग, बट ये पीठे पीठे जरूर है पर मीठे मीठे नहीं है। सो गाइस अब मैं खाने वाली हूँ अपनी फेवरेट पानी पूरी, और ये पानी पूरी ना कोई ऐसी वैसी पानी पूरी नहीं है, ये है ग्रेजुएटेड पानी पूरी। जैसे मैं ग्रेजुएटेड प्रियंका हूँ वैसे ही। अरे भैया कहाँ चले गए? अरे ये इधर आइए भाई। ये है ग्रेजुएटेड पानी पूरी वाले भैया। तो आपका नाम क्या पहले ये बताओ? प्रभात कुमार। तो कौन सी ग्रेजुएशन करी आपने? बीकॉम करी। तो बताओ बीकॉम में पानी पूरी बनाना सिखाया था कि नहीं? नहीं, किससे सीखा फिर पानी पूरी बनाना? वो बिजनेस सिखाया मुझे। बिजनेस सिखाया? ये देखिए मैनेजमेंट ने सिखाया है कि पानी पूरी से बिजनेस कैसे करना। और एक चीज मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी, ये जो अतरंगी सतरंगी पानी लगे ना, चटपटा खट्टा मीठा चिली गार्लिक, और ये स्वीट सी क्या है? स्वीट सी प्लस मिंट। अच्छा मुझे लगा आपकी गर्लफ्रेंड का नाम होगा स्वीट सी मिंट। नो। तो एक मिनट हमें लगा दीजिएगा ग्रेजुएटेड पानी पूरी। सो गाइस 10 रुपए में पता है कितने सारे गोल गप्पे आए हैं, मतलब 10 पानी पूरी की पूरियां सजी धजी आई है। देखिए इन सब के अंदर मसाले वसाले भरपूर तरीके से भर दिए गए हैं, और अब चॉइस गाइस मेरे के, मुझे इनमें से कौन सा पानी पीना। तो सबसे पहले गाइस मैं खट्टा मीठा पीऊंगी, खट्टा मीठा। एंड ये देख रहे हैं ये पंप, देख रहे हैं नीचे से ऊपर पानी कैसे आता है गाइस, ये देखना। अरे अच्छा ऐसे छूकर ही आ जाता है। अरे ये तो बड़ा अच्छा सिस्टम है यार। अरे गाइस कुछ दबाना भी नहीं है, वो छूते ही आ जाता है। क्या बात है, इन्होंने बताया अच्छा पंप लगाए हैं और जब सेंसर लगेगा मुझे बताएगा कि ये आरओ के पानी का ये खट्टा मीठा, और ये पूरा का पानी पूरी का जो है पानी बनाते हैं। तो चलो अभी ट्राई करूंगी। वो जो भैया की गर्लफ्रेंड नहीं थी ना जिनको मैंने बना दिया था वो वाला पानी। आ जाओ क्या हुआ, गर्लफ्रेंड नाराज हो गई क्या? अरे आ गया। अरे भैया इस गर्लफ्रेंड वाला पानी तो बहुत कम निकला, फिर से बाहर निकाल के अंदर करूँ? आ जाओ जल्दी आओ। आ गई भैया, गर्लफ्रेंड थोड़ी सी नाराज हो गई भैया। गाइस ग्रेजुएटेड पानी पूरी खा के मुझे लग रहा है कि मैं डबल ग्रेजुएट हो गई हूँ, मतलब ऐसा मैंने मास्टर्स कर लिया। बट अब ना थोड़ा सा तीखा तीखा लग रहा है, तो मुझे ना यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ दिखी है जो मेरी फेवरेट है। गाइस यहाँ पे बन रहा है मोहीटो, रंग बिरंगे से शरबत और मसाला थम्सअप। तो भैया आप मसाला थम्सअप बना रहे हो ना, ये कितने की है? 50 का है। खूब सारा मसाला डालोगे? क्या क्या डालोगे? बहुत सारा डालोगे, मुझे देख के और भी डालोगे? डालेंगे। चलो एक मसाला थम्सअप बना देना। मसाला कोला घूंघट खोलू? अच्छा घूंघट, अरे खुल गया। अरे ये घूंघट खुलते ही गाइस मेरा तो खोला ही कोला गिर गया। ऐसा लग रहा था सुहागरात में किसी दुल्हन का घूंघट जो है खोला गया है। बट अभी इसको पी के बता दूं ये भैया ने मसाला थम्सअप कैसी बनाई है। सच्ची यार इतनी गजब की है ना, मतलब इसको पीते ना आह निकल जाती है, इतना दिल मेरा खुश हो जाता है कि दिल में एकदम गार्डन हो जाता है। बहुत ही अमेजिंग बनाया है। सो गाइस अब मैं आपको एक ऐसी चाट दिखाने वाली हूँ जो है गोपू लक्ष्मी चाट, और ये है उड़ीसा की स्पेशल चाट। वैसे गाइस इनके इतने सारे कॉन्डिमेंट्स हैं चाट की दुकान में, इतने बड़े बड़े नमकीनों के जो है पैकेट रखे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी चीज़ें चाट इनके पास सिर्फ एक है। तो चलो पता करते हैं ऐसी कौन सी अतरंगी उड़ीसा चाट बनती है। आ जाओ भैया, ये बताओ ये कौन सी चाट बना रहे हो? इसके तो छोले भी है, आलू भी है, एंड गाइस इनके पास ना कॉर्नफ्लेक्स की नमकीन, पापड़ी और तो वो सेव वाली नमकीन भी इनके पास है। तो ये कौन सी, ये उड़ीसा की कोई स्पेशल चाट है क्या? तो क्या क्या डाल देते हो इसके अंदर? और वो दही बड़े अलग से बना के दोगे क्या? उसमें सब डाल देते हो? मतलब मिक्स एंड मैच चाट है क्या आपकी? गाइस ये देखो इनकी चाट में सब कुछ मिली जुली, ऐसा तो मिली जुली सरकार है। कितने की है?
चालीस पचास पचास वाली लगा देना। वो आएगा ना गोला गोला बल्ला आएगा ना बल्ला। तो चलिए हम खाएंगे अभी ओडिशा स्पेशल चाट। मेरी एकदम कलरफुल सी रंग बिरंगी सी उड़ीसा स्पेशल चाट। तो देखिए देखिए 50 रुपए में भर प्लेट जो है खाना मिल जाएगा। इतनी अतरंगी सतरंगी चीजें डाली है इन्होंने गाइस। इसके अंदर नमकीनें गई हैं, दही वाला गया है, प्लस इसके अंदर बीटरूट खीरे और धनिया वनिया तो सब गए गए। अब बारी है इसको खाने की जो मैं अब खाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने दही बल्ला तोड़ती हूँ गाइस। देखो ये दही बल्ला को मैं आराम से तोड़ मरोड़ के, अरे अरे दही बल्ले के साथ तो बहुत सारी नमकीन आ गई गाइस। देखती हूँ ये दही बल्ला कैसा है। गाइस इतना मुलायम है दही बल्ला कि मतलब मुंह में जाती एकदम आराम से घुल जाता है, पता ही नहीं चलता। ये उड़ीसा की चाट ना, मैंने अभी तक जितनी चाटें खाई चाहे पंजाब में चाहे यूपी में चाहे महाराष्ट्र में चाहे दिल्ली में, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। सो गाइस अब इतना स्ट्रीट फूड खाने के बाद अब मैं खाऊंगी एक और अपनी फेवरेट चीज एंड दैट इज पनीर। ये देखिए गाइस यहां पे इतने सारे गजब गजब के जो पनीर के टिक्के लगे हुए ना, ओहो। अरे बट टिक्के में तो एक दिक्कत है भैया, ये टिक्के तो ऐसे ग्रिलर में सेकते हैं या तवे में क्या सेक रहा है? पनीर टिक्के है ये, क्या है ये? पनीर साटे। ओके गाइस पनीर टिक्के नहीं है, ये है पनीर साटे। तो इसके अंदर पीनट वाली सॉस डालते हो क्या? मूंगफली वाली डालोगे? कितने का है ये? 60 रुपीज की एक प्लेट, तो हमें भी लगा दीजिएगा। सो गाइस ये आ गया मेरा पनीर साटे एंड आई वाज सो एक्साइटेड कि अभी तक ना पनीर टिक्के खाए मैंने सारी जगह, बट आज पहली बार स्ट्रीट फूड के अंदर मैं खाऊंगी गाइस ये पनीर साटे। देखो देखो कितना बढ़िया सजा धजा के दिया है। बट इसके साथ इन्होंने ना पीनट चटनी नहीं गाइस, इन्होंने दी है शेजवान चटनी। ये मुझे लगता है ना वो मलेशियन पीनट पनीर साटे नहीं है, ये इनका इनका अपना बनाया हुआ कोई तो साटे। अभी ट्राई करके बताती हूं कैसा है। गाइस ये अपना ओरिजिनल ऑथेंटिक इंडियन साड़े है जिसके अंदर गई है भर भर के शेजवान की चटनी। इनका पनीर ना बहुत सॉफ्ट है, इसके ऊपर जो चाट मसाला डाला ना, वाकई में सब बताओ मलेशियन साड़े से ना ये साड़े ज्यादा बढ़िया लग रहा है। सो गाइस मैंने इतने सारे स्ट्रीट फूड खा लिए और अब तक मेरे खर्च हो चुके हैं पूरे के पूरे 340 रुपए। तो अब बचे सिर्फ और सिर्फ गाइस मेरे पास 160 रुपए, और 160 रुपए में ना यहाँ पे देखो मैं क्या खाने आ गई गाइस। यहाँ पे मिल रहे बहुत ही अतरंगी सतरंगी तरीके के सैंडविच। इनके बाद भी ना माल जो है ना पूरा लगा है, गाजर टमाटर कैप्सिकम कॉर्न। अरे वाह भैया कितने की आपकी सैंडविचेस? 30 रुपए से स्टार्टिंग है। अच्छा ये बताओ ऐसी कौन सी सैंडविच जिसमें सारी चीजें ऐसे मिली जुली सरकार होती है ना वैसे बना के दोगे क्या? वो कितने की आएगी? 100 रुपीज की आएगी। अच्छा क्या बात है, 100 रुपीज की आएगी। वैसे हाँ पैसे तो मेरे पास बहुत है, तो उसमें क्या क्या लगाओगे? वेजिटेबल साथ में तो लगा देना 100 रुपए की सैंडविच। वेजिटेबल सैंडविच विद मशरूम गाइस। तो देखो देखो कितनी अतरंगी सतरंगी और कितनी बड़ी सैंडविच है गाइस ये, और इसके साथ 3-4 तरीके की तो चटनी आ गई भैया ने। ये सैंडविच देख के मुझे लग रहा है कि मेरा पेट भर गया गाइस, इतनी सारी चीजें गई है इसके अंदर। इसके अंदर कैप्सिकम पनीर आलू का मसाला मशरूम कॉर्न चीज पनीर और पता नहीं गाइस। ये तो बोलते बोलते मेरी सांस फूल गई, तो खाते खाते मुझे लगता है मेरा पेट भी फूल ना जाए। तो चलो अभी देखते हैं कि दाल तो दिया है गाइस सारा का सारा मसाला, खाने में कैसा है पता चलेगा। देखो जब सारी चीजों की खिचड़ी बना देते ना तो स्वाद भी पूरा खिचड़ी जैसा हो जाता है। ये सैंडविच बहुत ही ओके ओके है गाइस, मेरे 100 रुपए जरूर लगे, बट मैं आपको बताऊं ये मुझे हाँ बेकार है, बेकार सर जी। तो मुझे मेरी घर की बनाई हुई खिचड़ी लगती है, बट ये सैंडविच जो खिचड़ी बनती है मुझे क्या लगा? मुझे अपने पैसे खत्म करने थे ना, अभी क्या करूँ 100 रुपए वेस्ट हो गए। पर चलो कोई बात नहीं, इट्स डिजर्व टाइम गाइस। और अब बचे मेरे पास पूरे के पूरे 60 रुपए, मतलब 60 रुपीज। तो अब देखो डिजर्ट खाने के लिए गाइस मैं आ गई हूँ ये कुल्फी कुल्फी वाले भैया के पास। पहले तो ये बताओ कौन कौन सी तरीके की कुल्फियाँ हैं आपके पास? केसर पिस्ता रबड़ी चीकू सीताफल ग्रेप्स मैंगो। ग्रेप्स कुल्फी भी है? हाय ग्रेप्स की भी कुल्फी आती है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो जामुन की कुल्फी भी होगी? सारे कुल्फी हैं। तो सबसे महंगी कुल्फी कौन सी है? सबसे महंगी कुल्फी मैंगो। मैंगो कुल्फी कितने की है? 60। क्या क्या क्या
कितने के? 60 रुपए की? ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दैट। मतलब गाइस मैं आज का चैलेंज जीत गई, 60 रुपए बचे, आई कांट बिलीव दैट। सच में यार 60 रुपए की कुल्फी निकल आई, वो भी सबसे महंगी। मुझे लगा था 60 रुपए की तो सबसे सस्ती कुल्फी होगी, तो लगा देना जरा 60 रुपए की मैंगो कुल्फी। वो कभी सीजन नहीं, वो सीजनली कुल्फी। गाइस ये चकमा दे रहे मुझे, मतलब मैं अभी चैलेंज जीती थी, तो फिर कौन सी कुल्फी खिलाओगे? चीकू वाली खाइए। चीकू नहीं खाऊंगी मैं, और कौन कौन सा फ्लेवर है? हाँ खोलो डब्बा, खोलो डब्बा, खोलो डब्बा, खोलो। अरे ये तो सारी एक जैसी मिक्सचर है, इसमें तो मैं ही नहीं बता पाऊंगी गाइस कौन सी कुल्फी है, ची कौन सी है। चीकू वाली है, केसर पिस्ता। अरे चीकू के पीछे क्यों पड़े? चीकू तो हम फल ही नहीं खाते, उसकी कुल्फी क्यों खाएंगे हम भैया? अबे केसर पिस्ता ही दे दो, वो कितने की है? 40 40 40 अब 40। अरे ये क्या हो गाइस, आपने तो मेरा चैलेंज ही हरा दिया भैया। अरे यार भैया ने ये बहुत चोट कर दी हमारे साथ चैलेंज जीतने के बाद। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मतलब जीतते जीतते मैं हार गई। हार के जीतने वाले को ही तो बाजीगर कहते हैं। आहा क्या बात है। तो गाइस ये आ गई मेरी चैलेंज के हारने के बाद जो खुशी मनाते ना उसकी वाली कुल्फी है। देखिए केसर पिस्ता कुल्फी जो है यहाँ आ गई है, तो बहुत ही बढ़िया स्लाइसेस में भैया ने काटी है। तो चलो अब हम खाएंगे अपनी केसर पिस्ता। बहुत ठंडी ठंडी है, बढ़िया सच में, बड़ी गजब की है। माइंड ब्लोइंग कुल्फी है, माइंड ब्लोइंग। गाइस देखो चैलेंज में हार गई हूँ, बट आप इस वीडियो को ना लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ना मेरा दिल खुश कर देना। तो अब मिलूंगी मैं किसी और चैलेंज में, तब तक के बाय।